जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हम लाए हैं उनके लिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपका पहला सवाल है, दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आपके विकल्प है ए पीपल का पौधा, बी बांस का पौधा, सी आम का पौधा, डी केले का पौधा। आपका सही विकल्प है बी बांस का पौधा। आपका दूसरा सवाल है, किस देश ने अपना सूरज बना लिया है? आपके विकल्प है ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी रूस। आपका सही विकल्प है सी चीन देश। आपका तीसरा सवाल है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी स्वामी विवेकानंद। आपका सही विकल्प है डी स्वामी विवेकानंद। आपका चौथा सवाल है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आपके विकल्प है ए गोरखपुर, बी आगरा, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। आपका सही विकल्प है ए गोरखपुर। आपका पांचवां सवाल है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसे लिखते हैं पढ़ते नहीं? आपके विकल्प है ए लिखना, बी नमी, सी नहीं, डी कभी। आपका सही विकल्प है सी नहीं। सामान्य ज्ञान की ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य रखें। आपका छठवां सवाल है, 750 ग्राम का बंदर कहाँ पाया जाता है? आपके विकल्प है ए अफ्रीका में, बी अमेरिका फॉरेस्ट में, सी अमेजन बेसिन में, डी पेरू में। आपका सही विकल्प है सी अमेजन बेसिन में। आपका सातवां सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपके विकल्प है ए 8,800 मीटर, बी 8,858 मीटर, सी 8,848 मीटर, डी ज्ञात नहीं की गई। आपका सही विकल्प है सी 8,848 मीटर। आपका आठवां सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर बनाया गया है? आपके विकल्प है ए वुलर झील, बी लोकताक झील, सी चिलका झील, डी डल झील। आपका सही विकल्प है डी डल झील। आपका नौवां सवाल है, पवन का देश किसे कहा जाता है? आपके विकल्प है ए भारत को, बी चीन को, सी डेनमार्क को, डी जर्मनी को। आपका सही विकल्प है सी डेनमार्क को। आपका दसवां सवाल है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? आपके विकल्प है ए नेपाल को,
बी तिब्बत को, सी भूटान को, डी चीन को। आपका सही विकल्प है बी तिब्बत को। सामान्य ज्ञान की ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य रखें। आपका 11वां सवाल है, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? आपके विकल्प है ए अजमेर, बी जयपुर, सी भरतपुर, डी उदयपुर। आपका सही विकल्प है बी जयपुर। आपका 12वां सवाल है, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है? आपके विकल्प है ए फ्लाइंग फिश, बी स्वॉर्ड फिश, सी स्पॉटेड हैंड फिश, डी जेली फिश। आपका सही विकल्प है ए फ्लाइंग फिश। आपका 13वां सवाल है, किस फल में जहर पाया जाता है? आपके विकल्प है ए आम में, बी पपीता में, सी सेब में, डी नारियल में। आपका सही विकल्प है सी सेब में। आपको बता दे, सेब के बीज में साइनाइड जहर पाया जाता है, इसलिए आप सभी लोग सेब के बीज को न खाएं और बच्चों को भी खाने से मना करें। आपका 14वां सवाल है, कागज बनाने में किस पेड़ की लकड़ी को उपयोग में लाया जाता है? आपके विकल्प है ए जामुन की, बी बांस की, सी अमरूद की, डी पपीता की। आपका सही विकल्प है बी बांस की। आपका 15वां सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? आपके विकल्प है ए बबूल का पेड़, बी बरगद का पेड़, सी नीम का पेड़, डी पीपल का पेड़। इस सवाल का सही विकल्प आप सभी लोग कमेंट में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जीके दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य रखें।